ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस इंस्टाग्राम में आज से कुछ दिन पहले ये फोटो बहुत वायरल हो रहा था यार, मैं देख रहा था काफ़ी लोग फोटो एडिट कर रहे हैं ऐसी। तो भाई मैंने सोचा कि ना आप सभी के लिए इसका ट्यूटोरियल ला दिया जाए, तो मैं यार आप सभी के सामने ये ट्यूटोरियल लेके हाजिर हूँ। तो यार बस आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप सभी को बस इसमें मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जीत दूँगा, उसको बस आपको डाउनलोड कर लेना है, बाकी आपको मैं वीडियो में समझा दूँगा। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने बाद। उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे पहले तो एक लेयर बनी रहती है, तो आप सभी को इसको छेड़ना नहीं है। आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में, यहाँ पे आपको अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है सिंपली, ठीक है, कुछ स्टेप्स जैसे कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। मॉडल को ऐड करने के बाद आप सभी को कुछ आपको साइज इतना रखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इतना साइज रख लेना अपने मॉडल का। एंड उसके बाद आगे आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अभी तो पहले मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे परफेक्ट है। तो उसके बाद आप सभी को जाना है ऐसे लेयर में। लेयर में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक इम्पिटी लेयर बनानी है। एंड इम्पिटी लेयर बनाने के बाद आप सभी को यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना है स्काई ब्लू, ठीक है, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर स्काई ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक बैकग्राउंड यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो उसके बाद आप सभी को इसको एक कॉपी लेयर कर देनी है। एंड जो आपका मॉडल है इसको आपको सबसे ऊपर ले जाना है। एंड जो आपके मॉडल है इसका जो मतलब आपको ब्लेंडिंग मोड है इसको कर देना है XOR, ठीक है, XOR कर देना है। एंड इसके बाद जो ये वाली लेयर और जो नीचे वाली लेयर है इसको मर्ज कर देना है। एंड इसके बाद गाइस आप सबको दोबारा जाना है, इसको दोबारा से XOR कर देना है, तो आप सबके सामने कुछ ऐसी लेयर आ जाएगी, तो उसको आपको सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आप सबको इन सबको अंडो कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अंडो कर देने के बाद आप सबको सारी लेयर को ऑफ कर देनी है आप, ठीक है, जितनी भी लेयर है उन सबको ऑफ कर देनी है, ओनली आपके मॉडल की लेयर जो है उसको ऑफ नहीं करना है। एंड आपको इस अपने मॉडल को भी कुछ स्टेप सेव कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया मैं आप सबको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, तो आप सबको यहाँ से कर देना है डिस्कार्ड। तो उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ से जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को जो पीछे बैकग्राउंड में जो स्टार का PNG है वो ले लेना है पहले, ठीक है, तो ये भी मैं आप सभी को दे दूंगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद आप सभी कुछ स्टेप्स इसका फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स यहाँ पे लगा देना है। एंड गाइस इसका जब आप ब्लेंडिंग मोड ना चेंज करना है इसका, ठीक है, आप सभी को इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। तो उसके बाद यहाँ से जाना है ब्लेंड में, इसको करना है स्क्रीन, तो देखिए गाइस काफ़ी अमेजिंग लग रहा है स्क्रीन करने पर, ठीक है। उसके बाद आप सभी को गाइस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना गाइस आप सभी को ऐड फोटो में दोबारा से, एंड यहाँ पे जो अपने मॉडल को सेव किया था आपको उसको लेकर आना, ठीक है, तो उसका आपको फुल स्क्रीन कर देना है, कुछ स्टेप्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ऐड हो जाने के बाद आप सबको दोबारा से जाना ऐड फोटो में। एंड जो आप सभी ने जो लेयर बनाई थी उसको भी आपको सिंपली इसी तरीके से ऐड कर लेना है। एंड गाइस ये मॉडल को हमने इसलिए मैंने आप सभी को इसलिए वापस ऐसे सेव करवा दिया ताकि जो ये आपके एकदम मर्ज हो जाएगा। तो इरेजर टूल में जाने के बाद आप सबको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश के साइज को छोटा करके कुछ स्टेप्स आप सभी को यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है, साइड साइड में जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि एक ग्लोइंग इफेक्ट आएगा हमारी इसमें जो फोटो है, हमारी इसमें एक ग्लोइंग इफेक्ट डालने के लिए मैंने आप सभी को दिया है, ताकि जो मतलब पीछे से जो हमारी जो स्टार का PNG उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसलिए मैंने आप सभी को ये PNG बनाने के लिए बोला, ठीक है। तो आप सभी कुछ इस टाइप से फटाफट कर लेना है, मैं तो यहाँ पर थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, तो पर आप सभी को आराम से करना है, मतलब कि आराम से बिल्कुल टाइम लगे, और जितना टाइम लगता है फोटो उतनी अच्छी एडिट होती है आप सभी को पता ही होगा। तो उसके बाद गाइस आप सभी को इसका जो ब्लेंडिंग मोड इसको भी आपको चेंज करना है, यहाँ पे इसको भी कर देना स्क्रीन। एंड उसके बाद गाइस इसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी कम लग रही है मेरे को, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड डुप्लीकेट करने के बाद अब इसको हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम करूँगा, ठीक है, तो अराउंड कुछ इतना रख दूँगा, 30-40 तक रख दूँगा। एंड यहाँ पे हम इसको इतना कर देने के बाद अब आप सभी को जाना है ऐड फोटो में दोबारा से। एंड यहाँ पे आपको ये जो तलवार का PNG है इसको आप सभी को ले लेना है। एंड उसके बाद आप सभी कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना अपने हैंड के पास, ठीक है। अगर आप ऐसा पोज करते हो तो आप ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो, बाकी आप खड़े होकर भी पोज करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप खड़े भी होंगे तो आप उसमें भी इसको ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से लगा देना। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना इरेजर टूल में, हार्डनेस को फुल करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ से जो है इरेज कर देना है, ठीक है, मतलब किसको आपको अपने हाथ के अंदर पहुँचाना है तो उसके लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इरेज कर लिया है, तो अब आप सभी को करना क्या है, आप सभी को पहले तो मतलब कि इसको ना पहले यहाँ से मैं थोड़ा और कर देता हूँ। एंड यहाँ से आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को अभी यहाँ पे डन नहीं करना है, अब आपसे अभी आप सभी को एक शेडो का PNG लेना है, ठीक है, जो कि शेडो का PNG है जो कि मैंने आप सभी को दे रखा है, तो उसको भी आपको ऐड कर लेना है सिंपली। आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं, फोटो कैसे नीचे ले जानी इस शेडो PNG का, एंड फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद आप सभी को जिस टाइप से इसको क्लिक करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे एंड उसके बाद जो है इसको हम डाउन कर देंगे, ठीक है। डाउन कर देने के बाद यहाँ पे हो गया, अब उसके बाद हम जाएंगे दोबारा से शेडो का PNG ले लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो तलवार के नीचे लगाया वहाँ तो लगा दिया हमने, अब लगाना है यहाँ पे अपने मॉडल के पैरों के नीचे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से हम इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे एंड उसके बाद हम इसको थोड़ा जूम करके इधर ले जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे वैसे शेडो बनाने की जरूरत थी नहीं, वैसे मतलब मेरे को शेडो दिखेगी भी नहीं हमारी, बट कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं फिर भी, ठीक है।
हमें अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे लगा देंगे एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे अप कर देना परफेक्टली डन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारी फोटो काफ़ी अमेजिंग एडिट हो चुकी है अभी, तो अभी मैं लेकिन काम अभी और भी बाकी है उसको भी देख लो। एंड उसके बाद एड फोटो में जाने के बाद आप सबको ये PNG को ले लेना है। ठीक है, तो उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है एंड ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप सभी उसको फुल स्क्रीन कर देना है, आपके फोटो में ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद आप सभी को आगे क्या करना है, पहले तो मैं इसको यहाँ पे पूरा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एंड उसके बाद चाहो तो उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहेंगे क्योंकि साइड में थोड़ा सा इरेज करना है क्योंकि लाइनिंग से आ रही है ना कोई, तो यहाँ पर हम इरेज कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने इरेज कर लिया, अब क्या करना है, आप थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ कम कर लेंगे एंड बस इतना ही। एंड इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सभी को अब यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे जो है मतलब कि एड फोटो में जाकर स्मोक का PNG ले लेना है। ठीक है, ये स्मोक का PNG जिसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आप सभी कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसको लगा देना है। ठीक है, इसको स्मोक लगा देना है एंड उसके बाद अभी एक PNG और रह रही है हमारी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पहले डन कर देते हैं। डन कर देने के बाद आप सबको दोबारा से जाना है एड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको PNG ले लेना है, ये काफ़ी अमेजिंग PNG, इसको देखना गाइस ब्लेंडिंग मोड चेंज होने के बाद फिर देखना। तो स्क्रीन और देखिएगा कितनी मजेदार फोटो हो चुकी है अभी हमारी यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद आप क्या करना है, आप सबको यहाँ पे डन कर देना है। अब आपसे ज़्यादा काम रहता नहीं है, अब आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाना गाइस आपको एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जाना है ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में, इसको ब्राइटनेस बढ़ा देना है। इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश के साथ को छोटा करके एंड फेस के ऊपर डोजन बर्न करना है हमेशा की तरह। ठीक है, तो अगर आपको यार डोजन बर्न के ऊपर अगर कोई प्रॉपर वीडियो चाहिए तो अगर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल ही जाएगा। बाकी और भी अच्छे से समझना है तो यार मेरे को कमेंट करना, मैं जरूर लाऊंगा उसकी वीडियो। तो बाकी उसके बाद आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना, डन कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो को कर लेना सेव एंड इसमें आप कलर करेक्शन करने जो भी करते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। तो यहाँ से सिंपली जल्दी बैक एंड लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस जब तक हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, अब आप सबको इस लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है, कॉन्ट्रास्ट को आगे की तरफ बढ़ा देना है, हाईलाइट को थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, वाइट को थोड़ा कम कर देना है एंड जो ब्लैक है इसको भी आपको कम कर देना है। ठीक है, इसके बाद जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, इसका जो वाइब्रेशन है उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, मिक्स टूल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स वाले में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सेचुरेशन को माइनस करना है। ठीक है, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना है अगर फेस पर ब्राइटनेस ना हो तो। फिर उसके बाद जाना है स्काई ब्लू वाले ऑप्शन में, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सेचुरेशन को प्लस कर देना है, फिर सेकंड ब्लू में जाना है डार्क ब्लू में, उसके बाद आप सबको इसका ह्यू भी माइनस करना है एंड इसका भी सेचुरेशन प्लस कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सबको अब क्या करना है, आप सबको यहाँ जाना पर्पल कलर में, इसके सेचुरेशन को माइनस करना है और ये पिंक कलर में जाना है, इसके सेचुरेशन को माइनस करना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सबको अब यहाँ पर डन कर देना है एंड उसके बाद कलर के नीचे वाले टूल में जाना है, फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विगनेट है वो तो डालना ही डालना है। ठीक है, विगनेट से ही अलग लुक आता है हमारी फोटो में। तो उसके बाद आप सबको एक ग्रेन अमाउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद आप जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो नो डायरेक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नो डायरेक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप सबको अब जाना सेलेक्टिव टूल में, सेलेक्टिव टूल में जाने के बाद प्लस पर क्लिक करके ये सर्कल वाला ऑप्शन लेना है एंड उसके बाद आप सबको इस टाइप से कर देना है, यहाँ पे इसका जो एक्सपोजर बढ़ा देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सबको अगेन इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप सभी थोड़ा क्लियरिटी भी यहाँ पे बढ़ा लेना है एंड उसके बाद आप सभी को अगेन यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैं क्लियरिटी और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो शार्पनेस एंड उसके बाद यहाँ पे डन करते हैं एंड उसके बाद गाइस आप सबको अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो छोड़ो रहने दो, अब इतना बहुत है, काफ़ी अच्छी फोटो हमारी एडिट हो चुकी है। ठीक है, जो भी हमारी फोटो का रिजल्ट है आप सभी के सामने, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना है एंड यार वीडियो सही में अच्छी लगी तो यार प्लीज़ यार शेयर करना, बिल्कुल कंजूसी मत करना यार, प्लीज़ यार एक शेयर जरूर कर देना। बाकी गाइस अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो। बाकी मैं गाइस आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, गुड बाय।